पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन सरकार है, लेकिन यहां आपसी विवाद जोरदार हो गया है। पार्टी आलाकमान ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पंजाब में पार्टी के अंदर मची कलह को संभालने के लिए सोनिया गांधी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसने काम शुरू भी कर दिया है। आज नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने सुबह 11:30 बजे अपनी बात रखेंगे, जबकि गुरुवार या शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी से मिलेंगे। इस हाई लेवल कमेटी ने कल भी दिल्ली में पंजाब के 25 विधायकों से अलग अलग जगह मुलाकात की, विधायकों की नाराजगी सुनी। ये चर्चा 3 दिन चलेगी। ना कोई किसी पे नहीं साधरा साहब, सबकी भावनाएं आज पंजाब के जन जन की, हमारे पंजाबी में कहावत है कालजे बुलुंदरे पे है, कालजे में हमारे चोट लगी हुई है, भी ये गुरु के हत्यारे कहाँ घूम रहे हैं। ये फैसले जो है हाई कमांड करती है, सुनील जाखड़ नहीं करती। बड़े राज्य पंजाब का ये विवाद जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस विवाद को लेकर राहुल गांधी भी पर्दे के पीछे सक्रिय है। राहुल ने दर्जन भर विधायकों से फोन पर बात भी की है। स्वाभाविक है, हमारी 2/3 के करीब मेजोरिटी है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब तरीके की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, तो कभी जो बड़ी अपेक्षाएं होती हैं उसमें कुछ शोर सुनाई देता है लोगों को, तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। नहीं देखिए, कई कुछ मतभेद हुए, जब तो कमेटी बनी तो जो है उस पर रोक लगेगी ताकि ना हो, बस कोई गुट नहीं है, गुट सब कांग्रेस के हैं, जो मतभेद है वो खत्म कर दिए। आपको बता दें कि इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 महीने का वक्त ही बचा है, लेकिन उससे पहले कई मुद्दों पर अमरिंदर के खिलाफ विधायकों के बगावती तेवर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। ABP News आपको रखे आगे।